Doğru. Benim için ne düşündüm? जय भारत। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग छिड़ी हुई है, या ऐसा कहिए इजराइल और हमास के मिलिटेंट्स के बीच में जंग छिड़ी हुई है। हालत तब बदतर हुए जब हमास ने हजारों के ऊपर की रॉकेट इजराइल की तरफ छोड़ा, लेकिन इजराइल को ज्यादा हानि नहीं पहुंची। स्ट्राइक्स दोनों की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इजराइल को हानि इसलिए कम पहुंची क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे आयरन डोम सिस्टम कहते हैं। आयरन डोम, डोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आयरन लोहा, तो लोहा कवच। 2006 में इजराइल और लेबनन के बीच में लड़ाई हुई। हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल की तरफ हजारों की संख्या में रॉकेट छोड़ा गया। हालांकि यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम वहां मौजूद था, लेकिन वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ। इसीलिए इजराइल को यह लगा कि उसके पास खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो इजराइल ने रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम, फ्रांस वाला रफाइल नहीं, ये इजराइल का खुद का फर्म है, और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की मदद से आयरन डोम सिस्टम का इजाद किया, जिसकी फंडिंग यूएस ने किया था। ये आयरन डोम सिस्टम रडार पे बेस्ड है। ये रडार इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है, एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम है साथ में जो पोटेंशियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है, और एक फायरिंग यूनिट से रॉकेट्स को फायर किया जाता है। ये रॉकेट्स ऊपर जाके फट जाता है और उसके फ्रैगमेंट से सामने वाला मिसाइल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यही आयरन डोम सिस्टम की काबिलियत है। ये आयरन डोम सिस्टम एक्सट्रीमली मोबाइल है, इसीलिए इजराइल ने इसको जगह जगह पे लगाया हुआ है, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों से हमेशा घिरा हुआ है। रॉकेट्स कोई पहली बार फायर नहीं किए गए इजराइल के ऊपर। ये आयरन डोम सिस्टम किसी भी वेदर कंडीशन में 2400 घंटे काम करता है। कहीं से भी हमला हो, ये सिस्टम्स रेडी रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडिया के पास भी ऐसा डिफेंस सिस्टम है? इंडिया भी तो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो हाल में इंडिया के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को टारगेट करता है, और रशिया के द्वारा दिया गया पिछोरा एयर डिफेंस सिस्टम भी है। लेकिन इंडिया अब एक $5 बिलियन का डील करने वाला है रशिया के साथ, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ, जिसकी रेंज बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि 300 से 400 किलोमीटर है, और इनकमिंग रॉकेट्स, मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स को भी ये टारगेट करता है। इसके इंडिया में आ जाने से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपना एडवाइस जरूर दीजिएगा, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद।